हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में आदिवासियों के आशियाने उजाड़ने का मामला धरना चौथे दिन भी जारी। अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच बाड़मेर ने लामड़ा प्रकरण में दलित संगठनों का धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। साथ ही गुरुवार को बाड़मेर जिला कलेक्टर को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच के संयोजक लक्ष्मण बड़ेरा, महामंत्री भूरा राम भील, गोमदास धाम के महंत राजूदास महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना देकर विरोध शुरू किया था। संयोजक लक्ष्मण बड़ेरा ने बताया कि 9 सूत्री मांग पत्र जिसमें जातिगत भेदभाव पूर्ण कार्रवाई करने वाले उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व पटवारी को तत्काल निलंबित करने की मांग के साथ पक्षपात पूर्ण कार्रवाई से बेघर हुए आदिवासी परिवारों के खाने और रहने की और पूर्णवास की व्यवस्था करने की मांग तथा बेघर हुए आदिवासी भीलों के नुकसान की भरपाई की मांग, आदिवासी भील जाति के लिए वर्ष 2018 में प्रस्तावित 10 बीघा भूमि खसरा नंबर 800 में से आवंटित करने की मांग, बेघर हुए आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित करने की मांग, आदिवासियों के पानी की समस्याओं का समाधान के लिए प्रभावित आदिवासियों के लिए पानी के टांके स्वीकृत कराने की मांग तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत आदिवासी परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण करवाना तथा आदिवासियों के चौमुखी विकास के लिए सार्वजनिक सभा भवन व वाचनालय का निर्माण करवाना एवं लामड़ा गाँव से खसरा नंबर 805 रकबा 226 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि में अवैध रूप से काबिल दबंग और बाहुबलियों को हटाकर पशुओं के लिए चारागार भूमि को सुरक्षित करना। संयोजक लक्ष्मण बड़ेरा ने बताया कि गडरा रोड उपखंड अधिकारी व तहसीलदार सामंती तत्व के इशारे पर लामड़ा गांव के आदिवासी भील को जातिगत भेदभाव के कारण बसाने की जगह उजाड़ने के नोटिस जारी किए गए हैं और उसमें भी अफसरों ने भीलों को बेदखल करने और अन्य जाति के जो लोग बाहुबली हैं उनको गौचर भूमि में सुरक्षित बैठाए रखने में प्रशासन का हाथ है, जबकि आदिवासी भीलों के लिए 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन पटवारी व तहसीलदार ने भूमि आवंटन की अभिशंसा की जिसे रुकवाकर भील आदिवासियों के घरों को उजाड़ने के लिए अधिकारियों ने अपने कर्तव्य से विचलित होकर अनपढ़ आदिवासी भील परिवारों के विरोध को दबाने के लिए शांति भंग का फर्जी व झूठा मुकदमा दर्ज किया और उस मुकदमे की आड़ में 15 जुलाई 2020 को तहसीलदार ने पुलिस के जरिए भील आदिवासियों को तहसील में लाकर बिठा दिया और फिर तहसीलदार पुलिस जाब्ता के साथ दबंगों को साथ लेकर दबंगों की जेसीबी लेकर आदिवासियों के घर उजाड़ दिए, बाल बच्चों को सामानों को घर से बाहर निकाल दिया। पूरे जिले में प्रशासन की भेदभाव पूर्ण कार्रवाई के कारण रोष व्याप्त है। यदि सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो पूरे जिले में आंदोलन खेलेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार व जिला प्रशासन की रहेगी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए लक्ष्मण बड़ेरा इन्होंने ये कहा। मैं लक्ष्मण बड़ेरा SC ST एकता मंच का मैं संयोजक हूँ और मामला यह है कि बाड़मेर जिले में दलितों पर ठाकुरों के जुल्म की बाढ़ आ गई है और ठाकुर हर गांव के अंदर दलितों को बेदखल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनकी बकरियां चुरा रहे हैं, कहीं उनकी औरतों के साथ में बलात्कार कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे करके अपमानित कर रहे हैं, लोगों का अपहरण कर रहे हैं। इस बात को लेकर हम बाड़मेर के जिला SP से मिलने आए थे और SP साहब से ये कहा कि हुरों का तड़ा गांव जो बिजड़ियार थाना में पड़ता है वहां पर 22 दिन के अंदर 2 भाइयों के 4 झोंपे जला दिए और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और तो और इनकी जीप उठाकर लेके गए, उसको थानेदार वापस जीप सुपुर्द करता है लेकिन चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। हालात बहुत खराब है, हमारी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। पुलिस का सिस्टम है लेकिन पुलिस अभी निष्क्रिय है, उसको सक्रिय करने के लिए सरकार जो होटल के कमरे में बंद है उसको बाहर निकलना चाहिए। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए उदाराम मेघवाल इन्होंने ये कहा। लामड़ा में अनुसूचित जनजाति के आदिवासियों के घरों को ढहाना प्रशासन की जो पक्षतापूर्ण नीति रही है उसको लेकर के हम लोग पिछले 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। साथ साथ लोग गिराब थाने के 3-4 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, गडरा में आपिया में अपहरण हो चुका है, सोना संधा में मारपीट हो चुकी है, गिराब के
शास्त्री गांव से लेकर के और खपडाड़ा से लेकर के गूंगा में बहुत बड़ा एक ऐसी के परिवार की 15 लाख की चोरी हो गई है। झाक में 6 प्रकरण दर्ज हो गए हैं। सरकारी गोचर जमीन में उनकी मवेशी को चराना नहीं दिया जा रहा है। उनके जो बकरे हैं वगैरह उठा करके ठाकुर लोग हैं जो जाकर के रात को काट के खा जाते या बेच देते हैं और उनके घरों के ऊपर आकर के उनकी कब्जा शुदा मकानों के अंदर जाकर के ताले लगा करके चले जाते हैं। इसी क्रम में अभी आप से मैं निवेदन करूँगा, आप लोगों ने खबर दिखाई, आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक वीणा देवी जो मथे के तले की जिनको ठाकुरों ने परसों रात को पीटा है महिला को, और महिला जो किस भी हालत में और उसके शरीर के अंग के ऊपर जो लाठियों के निशान है वो आप थोड़ा देख करके और उसकी आवाज़ को थोड़ा सा आप उठाइए। और 14 मई को एक नाबालिग बालिका के साथ में जो रेप हुआ उसका मुलजिम आज दिन तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और ऐसे संगीन मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि किसी भी मामले में एट्रोसिटी एक्ट के मामले में किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, जब उसको लगता है आईओ का कि हाँ ये आदमी अपराधी बनता है तो उसको तत्काल उठाया जाना चाहिए, और दूसरा जो जो अपराध हो रहे हैं उसमें एक्शन ले, अन्यथा ये जो लॉकडाउन के पीरियड में हम भी हमारी जिम्मेवारी समझते हैं कि हम लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत ज्ञापन दिए SP साहब क्लर्क साहब को, लेकिन अन्यथा जब बात नहीं बनी तो मजबूरन होकर के हम लॉकडाउन का पालन करते हुए 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी बना करके हम उस धरने पर बैठे हैं। इसलिए प्रशासन को समझना चाहिए, अन्यथा पूरे के पूरे जो आप दलित हैं जो लौमड़ा के हैं जो पुरुष है वो यहाँ बैठे हैं, औरतें वहाँ बिना कोई बेघर के बैठी है धूप के अंदर, तो ऐसी स्थिति में क्या है, या तो उसके मवेशी वगैरह औरतें बच्चे सब ला करके यहाँ पटकेंगे, अन्यथा प्रशासन और पुलिस तत्काल इस पे एक्शन ले करके हमारी जो जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करें। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।